आज़ादी की अमृत महोत्सव की हकीकत 44 अंग्रेजों को ढेर करने वाले 3 रणबांकुरे की शहादत का किया जा रहा अपमान। महात्मा गांधी चौथे का पिलर किसी भी समय हो सकता है धराशाही। शहीद स्तंभ को किस तरह स्थानीय जनता व गैर जिम्मेदार अधिकारी प्रतिनिधि कैसे तिरस्कृत करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण किराकत तहसील क्षेत्र के मुफ्तीगंज के बाजार मध्य में स्थित महात्मा गांधी चौतरा से लगभग कुछ ही दूरी पर बने शहीद स्तंभ को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। महात्मा गांधी पर बने शहीद स्तंभ को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है जिससे कि गांधी के चौतरे का पिलर जर्जर अवस्था में है, किसी भी समय गिर सकता है। अगल बगल कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, पर ना ही किसी स्थानीय को व किसी जिम्मेदार लोगों को कोई सुध नहीं है, न ही प्रशासन के द्वारा जर्जर अवस्था में पड़े पिलर को मरम्मत करवाना ही उचित समझ रहे हैं। हम भारतवासी महात्मा गांधी को बड़े ही सम्मान के साथ राष्ट्रपिता कहते हैं, पर मुफ्तीगंज के बाजार में स्थित शहीद स्मारक प्रतिमा व महात्मा गांधी की प्रतिमा को देखकर हकीकत कुछ और बयां कर रही है। इससे इस देश का दुर्भाग्य कहें या और कुछ कहें, आखिर कब तक भारत आज़ाद के महापुरुषों व शहीदों का अपमान होता रहेगा। शहीद स्तंभ के अगल बगल लगा है कूड़ा, कूड़ों का अंबार, जिम्मेदार बेखबर। बता दें कि क्रांतिकारी जंग बहादुर पाठक पुत्र हरिभजन निवासी पटखौली विश्वनाथ व पुत्र मथुरा निवासी तारा छत्रधारी पुत्र उमाचरण निवासी विजयपुर ने कभी भी 3 वीर सपूतों ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग आज़ादी में कूद पड़े और 44 अंग्रेजों को तीनों क्रांतिकारियों ने जौनपुर साहिब पुल के पास मार गिराया था, जिसके बाद अंग्रेजी शासकों ने खलबली मच गई। अंग्रेजी हुकूमत अपनी कूटनीति बदौलत धोखे से तीनों क्रांतिकारियों को पसीवा गांव के समीप पकड़कर एक ही महीने में कारावास में रखकर उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, जिसके कारण उनका निधन हो गया। उनकी वीरता एवं शौर्य की याद में मुफ्तीगंज बाजार में मध्य में शहीद स्तंभ का निर्माण कराया गया, पर आज भी शहीद स्तंभ के अगल बगल कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, जिसे देखकर दुख होता है। सबसे खास बात जिला मुख्यालय व किराकत तहसील के मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहता है। विगत महीने से इसी रास्ते से पूर्व होकर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति निर्मला एस मौर्य व खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव का काफिला शहीद स्मारक सेनापुर में पहुंच शहीदों के प्रति कसीदे पड़े गए, पर वापस लौटते समय मुफ्तीगंज बाजार मध्य में शहीद स्तंभ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करना तो दूर की बात रही। शहीद स्तंभ के अगल बगल लगे कूड़े के अंबार को ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ, जो विचार करने योग्य बात है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, हे मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए